नमस्कार दोस्तों, एलिमेंट्स क्लास में आप सभी का स्वागत है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, अगर इससे पहले दो वीडियोस बन चुके हैं एसईआर पे, जो क्या है इंट्रोडक्शन टू एसईआर और वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ एसईआर, अगर वो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन दोनों का लिंक मिल जाएगा, फटाफट से जाकर देखिए। थर्ड वीडियो एसईआर की, जो क्या हमारा टॉपिक वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसईआर, जो क्या होते हैं हमारे वोल्टेज एंड करंट की कैरेक्टरिस्टिक्स एसईआर की, क्या क्या इसको देख कर डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ठीक है, ये फॉरवर्ड बायस एसईआर की कैरेक्टरिस्टिक्स और ये रिवर्स बायस। सबसे पहले फॉरवर्ड बायस की देखिए, ये आई किसके लिए, करंट के लिए, ए एनोड करंट के लिए। ठीक है, नीचे है, नीचे जा रहा तो नेगेटिव है ना, नेगेटिव करंट एनोड का। ठीक है, बी ए का मतलब क्या है, वोल्टेज एनोड टू कैथोड। देखिए यहां लिखा हुआ है एनोड टू कैथोड वोल्टेज, और आई ए का मतलब एनोड करंट। ठीक है, और बी बी आर का क्या मतलब है, रिवर्स ब्रेक ओवर वोल्टेज। ओके, अब देखते जाइए, और बी ए का मतलब क्या, एनोड टू कैथोड वोल्टेज, हम देख चुके हैं, इसको भी देखते हैं। तो फॉरवर्ड बायस में एसईआर क्या करेगा, सबसे पहले हमने वोल्टेज दी, ठीक है, थोड़ी सी वोल्टेज दी, ठीक है, चल रहा काम, हमने पहले देखा पिछली वीडियो में भी, जिसके वजह से हमारा फॉरवर्ड ब्लॉकिंग स्टेट है। ब्लॉकिंग स्टेट क्या है, करंट फ्लो नहीं हो रहा। क्यों फ्लो नहीं हो रहा, क्योंकि उसमें जो जंक्शन J2 था वो हमारा क्या था, रिवर्स बायस हो रहा था, जिसके वजह से डिप्लेशन लेयर हमारी बन रही थी और हमारा करंट फ्लो नहीं हो रहा था। लेकिन थोड़ी सी वोल्टेज हमने बढ़ा रही है ना, देखेंगे ये वोल्टेज की लाइन, जिसके वजह से क्या होगा, फॉरवर्ड लीकेज करंट बढ़ा हमारा। देख यहाँ से वोल्टेज बढ़ा रहे, ये करंट के लिए ना थोड़ा थोड़ा करंट बढ़ रहा है, उसको लीकेज करंट बोलेंगे, लेकिन उससे थोड़ा हमारा काम चलेगा, कंडक्शन में चाहिए था हमें अच्छे से। फिर हमने वोल्टेज बढ़ाते गए, करंट हमारा बढ़ता है, देखिए ये होगा। ठीक है, ये क्या है हमारी बी बी ओ, फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज, एक ऐसी वोल्टेज जहां पर जाकर हमारा करंट एकदम से बढ़ना स्टार्ट हो जाए। ठीक है, लेकिन ये बहुत देर बाद आई, और इसमें हमने पिछली वीडियो में गेट ट्रिगरिंग का जिक्र नहीं किया था, वो आज हम करेंगे, गेट ट्रिगरिंग। आई जी क्या हमारा, गेट करंट। ठीक है, जैसे देखिए हमारा एस सी आर सिंबल क्या होता है, ये वाला सिंबल होता है। ठीक है, ये एनोड होती है हमारी, कैथोड होती है, केसे और ये गेट होता है, गेट का यूज करते हैं ट्रिगरिंग के लिए। तो यही ऐसे ही आई जी क्या हमारा, गेट करंट है। ये कैसे होगा, यहां तक जब हम वोल्टेज बढ़ा रहे थे हमारी वीबीओ तक, ब्रेक ओवर वोल्टेज तक, हमारा जो आई जी करंट था, गेट करंट, तब तक हमने गेट से ट्रिगरिंग नहीं की एसईआर की, हमारा गेट करंट क्या था, जीरो था। लेकिन फिर हमने गेट से ट्रिगरिंग की, गेट से ट्रिगरिंग करने के बाद जो हमारी ये जा रही थी लाइन, देखिए वोल्टेज वाली ऐसे चली, स्टार्ट हो गई आई जी वन पे, गेट ट्रिगरिंग वन पे, तो क्या हुआ, कम वोल्टेज पे, इतनी ज्यादा वोल्टेज नहीं ले जानी पड़ी, कम वोल्टेज पे हमारा करंट पड़ना स्टार्ट हो गया गेट ट्रिगरिंग की वजह से। फिर से हमने गेट ट्रिगरिंग की, फिर से देखिए अब वोल्टेज देखिए कितनी कम है, पहले कितनी ज्यादा, अब कम वोल्टेज में करंट बढ़ा हुआ है। ऐसे करते करते देखिए, इसलिए लिख रखा है मैंने, जब आई जी करंट जीरो, आई जी वन, आई जी टू, तो आई जी टू पे क्या होगा, ग्रेटर होगा ना करंट, आई जी वन पे आई जी जीरो से ग्रेटर होगा। ठीक है, ऐसे ही ग्रेटर बढ़ता जाए, जैसे जैसे मैं गेट ट्रिगरिंग बढ़ाता जाऊंगा गेट करंट बढ़ता जाएगा, और ऐसी कंडीशन आ जाएगी जिसको हम क्या कहेंगे, फॉरवर्ड कंडक्शन स्टेट, फॉरवर्ड कंडक्शन स्टेट। ये देख यहाँ पर करंट बढ़ गया ना हमारा एकदम से, ये फॉरवर्ड कंडक्शन स्टेट है, किसकी वजह से, गेट ट्रिगरिंग, बहुत कम वोल्टेज में हमारा करंट बढ़ रहा है। पहले क्या हो रहा था, बहुत थोड़ी ज्यादा वोल्टेज बढ़ानी पड़ रही थी, लेकिन करंट तो तब भी फ्लो कर रहा था, इतनी ज्यादा वोल्टेज, गेट ट्रिगरिंग से क्या हो, फायदा हुआ, जल्दी से हमारा करंट फ्लो कर रहा है, फॉरवर्ड कंडक्शन स्टेट में हमारा एसईआर जल्दी से जा रहा है। अब ये आपको आई एच और आई एल दिख रहा होगा, ये आई एच क्या है हमारा, देखो आई एच क्या, होल्डिंग करंट, ये करंट होता है होल्डिंग करंट, मिनिमम करंट विच इज रिक्वायर्ड टू बी इन कंडक्शन स्टेट। अगर इस आई एच से, होल्डिंग करंट से हमारा नीचे है करंट, ठीक है, तो हमारा एसईआर क्या होगा, कंडक्शन स्टेट में नहीं होगा, वो वर्किंग नहीं करेगा। ठीक है, वर्क नहीं करेगा। और ये अगर आई एच से ज्यादा, होल्डिंग करंट से ज्यादा है, और लैचिंग करंट तक है हमारा एल तक, आई एल क्या है, लैचिंग करंट पे है, तो हमारा क्या होगा, जो एसईआर है वो क्या जाएगा, कंडक्शन स्टेट में आ जाएगा, फॉरवर्ड कंडक्शन स्टेट जिसे हम बोलेंगे, या फिर ब्रेक ओवर वोल्टेज भी बोलेंगे। देखिए आप समझ रहे बात, ये हमारा लैचिंग करंट है। ठीक है, आई एच से नीचे नहीं होना चाहिए करंट हमारा, आई एच से ऊपर होना चाहिए होल्डिंग करंट से, तो ये फॉरवर्ड कंडक्शन स्टेट हो गई हमारी एसईआर की। ओके, अब आते हैं रिवर्स कंडक्शन स्टेट पर, कंडक्शन नहीं कहेंगे, रिवर्स स्टेट पर, कंडक्शन थोड़ा होता है रिवर्स में, रिवर्स बायस में। ओके, तो रिवर्स में जैसे जैसे हम वोल्टेज बढ़ा रहे हैं, ठीक है, हमारे क्या रिवर्स ब्लॉकिंग स्टेट है, क्यों है, उसमें हमने देखा था जो जंक्शन J1 और J3 था हमारा, वो रिवर्स बायस में जा रहे थे, रिवर्स जब हम कनेक्ट कर रहे थे बैटरी के टर्मिनल्स, तो जंक्शन J1 J3 हमारा रिवर्स बायस में, लेकिन J2 क्या था हमारा, फॉरवर्ड बायस में था। ठीक है, तो ये रिवर्स ब्लॉकिंग स्टेट है हमारा, करंट फ्लो नहीं आ रहा, लेकिन कुछ करंट फ्लो हो रहा था किसकी वजह से, जंक्शन J2 की वजह, जो हमारा फॉरवर्ड बायस था। ओके, अगर वो वीडियो अभी तक नहीं देखे जाकर देखिए, तभी अच्छे समझ में आएगा, वो क्या था हमारा, रिवर्स लीकेज करंट, जो थोड़ा सा करंट हमारा फ्लो कर रहा था। फिर एक ऐसी स्टेट आएगी, हम बढ़ाते जा रहे हैं वोल्टेज, बढ़ाते जा रहे हैं, इसमें गेट ट्रिगरिंग का कोई चक्कर नहीं है, ठीक है, गेट ट्रिगरिंग नहीं करेंगे इसमें।
वोल्टेज बढ़ाते जा रहे हैं तो VBR स्टेट आएगी। VBR क्या हमारी रिवर्स ब्रेक ओवर वोल्टेज, उस वोल्टेज क्या होगा हमारा करंट एकदम से बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। देखिए करंट के लिए ना बेशक 90 में, लेकिन करंट एकदम से बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा हमारी वो वोल्टेज होगी VBR रिवर्स ब्रेक ओवर वोल्टेज। उस वोल्टेज का कोई फायदा नहीं है, उससे हमारा SCR क्या हो जाएगा डैमेज हो जाएगा, इसलिए इस स्टेट में हम SCR को कंडक्ट नहीं करवाते हैं। ठीक है, VBR स्टेट में ब्रेक ओवर रिवर्स ब्रेक ओवर वोल्टेज में, ठीक है रिवर्स ब्रेक ओवर वोल्टेज में हम इसका SCR काम नहीं करवाते हैं, फॉरवर्ड कंडक्शन में करवाते हैं जिससे हमारा SCR वर्किंग करता है हमारा फॉरवर्ड कंडक्शन स्टेट में फॉरवर्ड बायस कंडीशन में। तो ये हमारी VI कैरेक्टरिस्टिक थी SCR की। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगे तो अपने दोस्तों शेयर कीजिए वीडियो को, क्या करेंगे दोस्तों शेयर कीजिए ताकि उनकी हेल्प हो सके। अगर आप शेयर कर रहे आप उनको पढ़ा रहे हैं, मैं नहीं पढ़ा रहा, और लाइक कर वीडियो लाइक कर दीजिए अगर अच्छी लगी है तो, कमेंट करके बताइए वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तब भी बताइए, अच्छी नहीं लगे तो भी बताइए क्या इंप्रूवमेंट हो सकते हैं। ओके अगर वो जो इससे पहले लेक्चर्स बने हमारे दो लेक्चर्स बन चुके हैं SCR पर, उनका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको, वो जाकर देख सकते हैं। और आपको PDF नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं, वहाँ पर PDF नोट्स मिल जाएंगे आपको। ओके थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू अगेन।